चेते कर ला किसे हुर ते न मरे तेरे ते ही मरता बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा तू ही बन मेरे ये। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ इस तरीके का इंस्टाग्राम स्टेटस क्रिएट करेंगे जो आजकल बहुत ही वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर और भी कई ऐप्स के ऊपर ये वायरल हो रहा है। तो पहले आपने क्या करना है, काइंड मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइंड मास्टर का लिंक दे दूँगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वाटर मार्क वाला। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने काइंड मास्टर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और इंस्टाग्राम की आपको रेजोल्यूशन मालूम होगी वन बाय वन को सिलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एक बैकग्राउंड इमेज ले लेनी है, वाइट या ब्लैक कलर की, जो भी आपको कलर पसंद है। उसको लेने के बाद आपने उसको इस तरह बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है और मीडिया वाले ऑप्शन पर आना है। मीडिया वाले ऑप्शन के पर आने के बाद आपने ये वाली वीडियो फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप उधर से आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको कर देना है इधर क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको इधर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इधर दोबारा क्लिक करना है तो आप वापस आ जाओगे, यानी ओके के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, इसके लेयर को बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। तो क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है क्रोमा की के ऊपर, ये वाला, ठीक है। मैं आपको करके 2-3-4 नंबर के ऊपर ये है क्रोमा की, इसके ऊपर आना है और इसको ऑन कर देना है। ये सिर्फ से ब्लैक हो जाएगा। अब आपने लेयर पे आना है, मीडिया के ऊपर आना है। मीडिया के ऊपर आने के बाद आपने ये वाली एक पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है, ये वाली फ्लावर की। सिलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से छोटा करना है। छोटा करने के बाद इधर एडजस्ट कर देना है, थोड़ा इस तरीके से रोटेट कर लें। आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद इसके लेयर को बढ़ा देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, फेवरेट के ऊपर आना है। फेवरेट के ऊपर आने के बाद आपने डाउनलोड के ऊपर आना है। मैं फेवरेट के ऊपर आया क्योंकि, तो आपने ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपने नीचे चले आना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर और इसको कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद ओके कर देना है। तो इस आग को इस फूल के ऊपर ले आना है, थोड़ा छोटा कर लें। छोटा करने के बाद इधर ले आए फूल के ऊपर, फूल के ऊपर एडजस्ट कर देना है। अब अपना लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है। तो सॉन्ग मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ काइंड मास्टर के लिए रहा। सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, आपने नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर, ब्लेंडिंग, ये रहा ब्लेंडिंग, और इसको कर देना है स्क्रीन। अब आपने क्या करना है, आपने वापस इधर ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इधर आ जाना है क्रॉपिंग वाले ऑप्शन के ऊपर, ये रहा क्रॉपिंग, और इसको इतना क्रॉप कर लेना है ऊपर से भी और नीचे से। क्रॉप करने के बाद ओके कर देना है। इसको इस तरीके से आपने छोटा या बड़ा कर सकते हो और इस तरह रोटेट करके इसको इधर एडजस्ट कर देना है। इस तरीके से आप प्ले करके इसे देख सकते हो, ठीक है। आपने ये प्ले करके देख लेना है कि ये बाहर तो नहीं आ रहा, तो फिर इसको आप इस तरीके से जूम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से एडजस्ट कर लेनी है, इसकी एडजस्टमेंट खुद कर लेनी है। वो आपने लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। अब आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई भी आप पीएनजी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, इधर क्लिक करना है और इसको फुल स्क्रीन करके ओके कर देना है। अब आपने इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आना है और इसको कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद दोबारा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे चले आना है अल्फ़ा वाले ऑप्शन के ऊपर, आपने ये तलाश कर लेना है तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल से, और इसकी कैपेसिटी को तकरीबन इतना कर देना, ओके कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया के ऊपर आना है। मैं इधर से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने जी। दोस्तों आपने ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है, इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा आपने ये वाली जो बनी हुई है दीवार सी, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको कर देना ओके। ओके करने के बाद दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे चले आना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर, उसको कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसके लेयर को बढ़ा देना है,
अब हमारा मेन काम रह गया है वो हम कर लेते हैं। हम वापस आ जाना है, अब आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है, वन बाय वन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना, और आपने कुछ अपनी प्यारी सी पिक सेलेक्ट कर लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आप जितनी भी करना चाहते हैं कर लेनी है। तो आपने इधर क्लिक करना है और इनको इस तरीके से फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। इधर एडजस्ट कर लेना आपने फुल स्क्रीन। तो या फिर आपको मैं एक और तरीकेकार बता देता हूँ, आप वो यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग तरीकेकार है। आपने ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है, एडिट वाले पे आना है, फिल स्क्रीन करना है। फिल स्क्रीन करने के बाद आपने रेजोल्यूशन इसकी तकरीबन इतनी कर देनी है 1 सेकेंड, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद मीडिया पे आना है, आपने अपनी ये फेवरेट या जो भी आपकी जिधर ही PNG पड़ी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी फ़ोटो जो भी है, तो आपने इस तरीके से ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इधर ये जो प्लस के आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने ये वाला डाउनलोड कर लेना है। ये जो ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपने ये वाला डाउनलोड, आपके इंटरनेट ऑन होना चाहिए, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो इधर से ये आप डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट अगर आपका ऑन हो, अगर आपका इंटरनेट ऑन हो तो ये आपके सामने इस तरीके लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तलाश करके। तलाश करना ज़रूरी है क्योंकि बगैर तलाश के तो आपको नहीं मिलेगा। नाम आप देख लो, बुक वार, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वाला 3 नंबर वाला आपने सेलेक्ट कर देना है, इसी तरीके से ये तमाम पे लगा लेना है। टू शॉट, अगर आपके पास ये आ जाए टू शॉट, तो आपने ये जो सेकंड नंबर वाली है इसको इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो बुक वार इसके ऊपर भी ऐड कर देना है, नेक्स्ट वाली के ऊपर भी बुक वार में ऐड कर देना है। इस तरीके से आपने ना ये सारे के ऊपर कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर दूँगा यहाँ पे। तो कुछ वक्त लेगा ये, तो ये देखिए आपके सामने हो गया। एक्सपोर्ट करने के बाद ये और दोबारा करता हूँ, वो पहले ही मैंने कैंसिल कर दिया था। तो ये हमारे तकरीबन मुकम्मल हो गया एक्सपोर्ट, अब हम वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद वो जो हमने अभी बीच में छोड़ी है, वीडियो बना रहे थे और छोड़ दी थी, उसके ऊपर आएंगे, लेयर के ऊपर आएंगे, मीडिया के ऊपर आएंगे, और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे, फाइल के ऊपर आएंगे। ये अभी हमने एक फ़ाइल एक्सपोर्ट किया है ये वाली, तो मैं बस आपको छोटा सा स्टेटस क्रिएट करना बता रहा हूँ। बाकी एक आप और ज़्यादा PNG को यूज़ करके ज़्यादा बड़े वाला स्टेटस क्रिएट कर सकते हो। आपने इधर रखना है, रखने के बाद आपने क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। तो आपका स्टेटस कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी ये लेयर कम पड़ रही हो, एक मिनट, ये वाली अगर आपकी लेयर कम पड़ रही हो, आप इसकी डुप्लीकेट लेयर ले सकते हैं और उसको भी सेंड टू बैक कर सकते हैं, और उसको इधर आपने थोड़ा आगे करके एडजस्ट कर देना है, ठीक है। आपने इस तरीके से एडजस्ट कर देना, तो ये आपकी वीडियो बनकर रेडी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।